नमस्ते बच्चों, आज हम चित्र वर्णन यानी कि इंग्लिश में पिक्चर डिस्क्रिप्शन आज हम पढ़ेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है चित्र वर्णन की परिभाषा यानी कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। इसका अर्थ होता है चित्र को देखकर, यानी कि आपने कहीं का भी चित्र देखा हो या तो आपने कहीं घूमने गए हो, वहाँ की प्रकृति को देखा हो, उससे संबंधित हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे देखकर हम क्या सोच विचार करते हैं, उसे अपनी कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिन के द्वारा उसे एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, मतलब उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही हम चित्र वर्णन कहते हैं। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं यानी कि चित्र को देखकर उसमें क्या क्रियाएं हो रही हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। इसका अर्थ है चित्र को देखकर वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ कैसी स्थिति है, उसे देखकर हमारे मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे हम चित्र वर्णन कहते हैं। तो इसलिए इसका अर्थात है कि चित्र वर्णन हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगला है चित्र वर्णन की मुख्य बातें। यह चित्र वर्णन की बहुत ही जरूरी बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद ही हमें चित्र का वर्णन करना है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना है। अब हमारे पास चित्र है, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं आप घूमने जाते हैं, वहाँ की प्रकृति को देखते हैं, तो उसे हम ध्यान से देखना है कि किस चीज़ का चित्र है। दूसरा है संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है, यानी कि यह पूरा चित्र किसका है यह हमें बताना है कि ये जो हमने देखा है यह चित्र किसका है। तीसरा है चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है उन्हें लिखना है। इसका अर्थ है चित्र में क्या क्या हो रहा है उन्हें हमें लिखना जरूरी है। चौथा है फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। इसका अर्थ है चित्र के माध्यम से यानी कि चित्र हमें क्या बताना चाह रहा है उसे हमें अपने शब्दों में ही प्रकट करना है, अपने शब्दों में ही समझाना है। अंत में अपने विचार लिखिए, अर्थात अंत में हमने चित्र में क्या क्या देखा, हमने उससे क्या समझा, उससे संबंधित अपने शब्दों में उसके विचार लिखना है। तो ये चित्र वर्णन की मुख्य बातें थी। अगला है हमारा चित्र वर्णन की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले है पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। चित्र को हमें बारीकी से देखना है, उसमें कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। चित्र ध्यान से देखें और समझें,
चित्र को ध्यान पूर्वक देखें, फिर उसके बाद उसे समझने की कोशिश करनी है। चित्र वर्णन छोटे छोटे वाक्य में करें। चित्र का वर्णन है जो उसे हमें छोटे छोटे वाक्यों में करना है। शब्द रोचक यानी कि शब्द इंटरेस्टिंग व सरल यानी कि सिंपल होना चाहिए, यानी कि जो भी हम शब्द बनाए वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। चित्र में जितनी भी चीज़ें दिख रही हों सभी का वर्णन होना चाहिए। चित्र में हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन सभी का वर्णन जरूर होना चाहिए। तो ये थी चित्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगला है ये चित्र। तो इस चित्र को देखकर हमें इसका वर्णन करना है और लिखना है। सबसे पहले तो हमें इस चित्र को देखना है अच्छी तरह से और उसे समझना है, और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे तो उसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे। इस चित्र में देखिए यह यहाँ पर क्या है, बच्चे होली खेल रहे हैं, अलग अलग तरह के रंग बिखरे हुए हैं, यहाँ पर पेड़ भी हैं, घर हैं, सूरज हैं, बादल हैं। तो इस तरह से हमने इस चित्र को देखा और समझा। अब हम इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करेंगे। तो देखिए यह चित्र होली का है। हम क्या लिखेंगे, यह चित्र होली का है। इस चित्र में बच्चे खूब मजे से होली खेल रहे हैं। तो देखिए इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, खूब मजे से, बहुत मजे से होली खेल रहे हैं। जमीन पर अलग अलग तरह के रंग बिखरे हुए हैं। अब जमीन पर देखिए होली खेलते हुए अलग अलग तरह के रंग पूरे बिखरे हुए हैं। कुछ लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ गुलाबी हैं। तो इस तरह के रंग हैं। चित्र में 3 घर और 2 पेड़ हैं। चित्र में देखिए 3 घर हैं, एक यहाँ पर, दूसरा और तीसरा, और 2 पेड़ हैं। घर के सामने एक रास्ता बना हुआ है। इस घर के सामने देखिए एक रास्ता बना हुआ है। आसमान में सूरज नजर आ रहा है। आसमान में देखो सूरज नजर आ रहा है, और आसमान में बादल छाए हुए हैं। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। इस चित्र में बच्चे होली खेलकर बहुत खुश हैं। इस चित्र में बच्चे होली खेलकर बहुत खुश हैं। तो बच्चों इस चित्र को देखकर हमने इस चित्र को समझे और जो भाव उत्पन्न हुआ उस चित्र का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। आपको भी इस चित्र को देखकर आपको इसका वर्णन करना है और अपने हिंदी की नोटबुक में इसे लिखना है। अगला चित्र है हमारा, देखिए अगले चित्र तो बहुत ही सुहावना नजर आ रहा है। अब हमें इस चित्र का वर्णन करना है। तो इस चित्र को भी पहले की तरह हमें अच्छी तरह से देखना है, समझना है, और हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे फिर प्रकट करना है, वह भी अपने शब्दों में प्रकट करना है। तो देखिए यह चित्र पिकनिक का है।
यह चित्र किसका है? पिकनिक का है। इस चित्र में एक परिवार पिकनिक मनाने आए हैं। इस चित्र में एक परिवार क्या करने आए हैं? पिकनिक मनाने आए हैं। हम भी अपने परिवार के साथ जब घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पर खूब मजे करते हैं ना, तो उसी तरह से इस चित्र में भी क्या है, एक परिवार पिकनिक मनाने आए हुए हैं और खूब मजे कर रहे हैं। अब देखिए इस चित्र में पांच लोग हैं कुल। कुल पांच लोग कैसे हैं? यहाँ पर पिताजी हैं, माताजी हैं, ये लड़की है और ये छोटा लड़का है, और यहाँ पर इस पालने में छोटा सा बच्चा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? माता, पिता और तीन बच्चे हैं। इसमें एक छोटा सा पालना भी है जिसमें बच्चा सो रहा है। देखिए ये छोटा सा पालना है जिसमें बच्चा सोया हुआ है। इस चित्र में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। इस चित्र में देखो चारों तरफ क्या है, हमें हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। कितना अच्छा लग रहा है देखकर। इस चित्र में एक हरा भरा सेब का पेड़ है। इस चित्र में देखो हरा भरा ये झाड़ है, इस पे बहुत सारे सेब हैं, जिसमें लड़की पेड़ से सेब तोड़ रही है। अब देखिए लड़की क्या कर रही है, सेब तोड़ रही है, और छोटा लड़का तितलियों को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है। अभी छोटा लड़का क्या कर रहा है, तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा है। उसे तितली पकड़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, वह खूब आनंद उठा रहा है। माता जी किताब पढ़ रही हैं। यहाँ पर मम्मी क्या कर रही हैं, किताब पढ़ रही हैं, और पिताजी तरबूज खा रहे हैं। पिताजी तरबूज खाने के मजे ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। घास पर फूल उगे हुए हैं। यहाँ पर देखो घास पर बहुत सारे फूल उगे हुए हैं, और कुछ पत्ते भी है, यहाँ पर पत्ते भी हैं। खेलने के लिए गेंद भी रखी हुई है। खेलने के लिए क्या रखी हुई है, गेंद भी रखी हुई है, और टोकरी में खाने की चीजें हैं। और इस टोकरी में क्या है, खाने की चीजें हैं। चित्र में एक कुत्ता भी है जो कि आराम कर रहा है। यह चित्र बहुत ही सुहावना है। यह चित्र कैसा लग रहा है, बहुत ही सुहावना लग रहा है। तो इस चित्र को देखकर हमने बहुत ही आनंद उठाया, और हमारे मन में जो जो भाव उत्पन्न हुए उसे हमने प्रकट किया। तो आप लोगों को भी इस चित्र को देखकर आपकी हिंदी की नोटबुक में आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आपको स्वयं से अपने शब्दों में लिखना है। तो आप लोगों को ये चित्र वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा, आपने बहुत ही आनंद उठाया होगा। तो इस तरह से आज हमने चित्र का वर्णन किया। धन्यवाद बच्चों।